हमारी कोमल ने व्रत तोड़ दिया हार मान ली। अचानक से पंखा यहाँ गिरा और भाई एकदम से आवाज आई धम, इतना सीन हो जाता है पंखा मेरे ऊपर गिर जाता। कुछ तो अच्छे कर्म करे यार जो मैं बच गया। आज तुम्हारे हस्बैंड मरते मरते बचे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। भाई क्यों हमारे पीछे पड़ी रहती हो? मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ अच्छे से। खाना खा लो। भाई जब भूख नहीं लग रही तब भी खाना खा लो, ये खा लो वो खा लो, ये खा लो वो खा लो, चाय पी लो। भाई खिलाती रहती है भाई, मतलब भाई केयर होती है ठीक है, इतनी कौन केयर करता है यार। मैं अभी फैक्ट्री में ना काम कर रहा था, तो भाई मैं अभी ना फैक्ट्री में काम कर रहा था, देखो यहाँ बैठा हुआ हूँ यहाँ, और पंखा लगा पड़ा था यहाँ, ये देखो यहाँ, और भाई अचानक से ही पंखा यहाँ गिरा और भाई एकदम से आवाज आई धम। वो तो सही हुआ मैं यहाँ बैठा पड़ा था, वरना सीन हो जाता है पंखा मेरे ऊपर गिर जाता। कुछ तो अच्छे कर्म करे यार जो मैं बच गया। थैंक यू यार। कैमरे में सीन आया होगा, मैं सीन डालूंगा कैमरे में से लेके। भाई टूट के गिर गया यहाँ से, देखो पंखा ऐसा, और पंखा गिर गया भाई, बच गया मैं यहाँ बैठा पड़ा था। भगवान की अच्छी दुआ, कुछ अच्छे कर्म तुम्हारी दुआ। पता नहीं कैसे टूट गया वो, गोल गोल हिल रहा था ना इसलिए टूट गया। भाई बच गया यार आज तो भाई। अगर गिरता ना तो पता है तेरे कान पंख ही लगता सीधे। क्या बैठा हुआ है? हां बच गया भाई यार, ये मेरे ऊपर गिर जाता ना तो मैं तो खत्म कहानी। हे भगवान, बहुत डरा हुआ हूँ, मेरा दिल धक 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 कर रहा है बहुत तेज से। यहाँ बैठा पड़ा था देखो, मैं यहाँ ये पंखा लगा है यहाँ और यहाँ गिरा और मैं बैठा यहाँ पड़ा था। इन केस मैं अगर इधर भी होता ना तो भी मेरे लग जाता और पूरा सर्वर सब खुल जाता। ये चीज़ हजम नहीं हो रही भाई, मतलब सही है भाई। तुम चला नहीं जा रहा भाई, बहुत डर लग रहा है मेरे को। आज मैं ना बहुत खुशकिस्मत हूँ, ऐसा मैसेज हो रहा है कि मतलब मैं बच गया। और जिसी पंखे को देख रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि यार मतलब डर सा लग रहा है पंखे को देख के। मुझे पाई देता हूँ ना भाई। अपनी चाय आ गई है और चाय पी के चलते हैं सीधा फ़ोन उठाने, जो मेरा फ़ोन बड़ा हुआ है ना दुकान पे। भाई शाम के टाइम मस्त चल दिए हैं और मैं जा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ एक फैक्ट्री के भाई को, उनकी शक्ल नहीं दिखा सकता। और भाई इस सुंदर से पार्क से होते हुए आए हैं, और ना नांगलोई की ना पूरी मार्केट है यहाँ पर, मतलब फ़ोन का ही काम होता है जैसे, मतलब सब लोग फ़ोन ही ठीक कराते हैं ज़्यादातर। तो मैं 2 महीने पहले दिया था, देखते हैं कैसा होगा। भाई इस दुकान पर फ़ोन दिया था, देख लो, बंसल मोबाइल, बंसल एस मोबाइल। तो देखो हुआ ऐसा था, मैंने अभी से 2 महीने पहले अपना एक भाई का फ़ोन था iPhone XR, मैंने उसको पुराना दिलाया था, तो वो ख़राब हो गया था, पता नहीं उसमें क्या हो गया था, पानी चला गया था। तो मैंने 2 महीने पहले इस दुकान पे डाला था, बंसल मोबाइल AS जो नाम से है। तो मैंने डाला, फिर मैंने उसने बोला कि भाई कल लाना, मैं आया। फिर वो बंदा ऐसे ऐसे करते मेरे को ना 7 से 8 दिन बुलाता रहा कि कल आना, परसों आना, शाम के 5 बजे आना, ये वो। तो भाई ऐसे ऐसे मैं 7-8 दिन तक आया। उस टाइम तक मेरे पास पैसे थे मोबाइल मतलब ठीक कराने के, 2000 रुपये लगने थे। तो मैंने ठीक कर मैं जाता रहा। फिर भाई वो बंदा कहीं चला गया, फिर भाई मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। फिर सीधा मैं 2 महीने बाद गया था, मतलब 2 महीने बाद गया था, और पूछ के गया था कि फ़ोन लेने आना है भैया, ठीक हो गया? बोल रहा हाँ। मैं गया तो बोल रहा है कि 2 दिन बाद लेना, ये वो फलाना दिखाना, मतलब इतने चक्कर कटवा रहा है भाई ठीक होने के बाद। मतलब कस्टमर की कोई इज्जत नहीं है, कैसा मतलब कैसा मोबाइल वाला है। इसीलिए मेरे को भाई बहुत ख़राब एक्सपीरियंस लगा उस मोबाइल वाली दुकान पे, मतलब मैं तो कभी उस दुकान पे भूले से भी नहीं जाऊँगा। इनकी कहानी बताता हूँ तुम्हें। भाई जो ये दुकान थी ना, पहले मैंने जब इस पर फ़ोन दिया था ना, तो मेरे को लगा ये बढ़िया काम करता होगा बंदा, और पहले भी मेरे बढ़िया काम करे। अभी देखो मेरे को 2.5 महीना हो गया फ़ोन दिए हुए। अभी मैं 2.5 महीने बाद इस बंदे से बोला, मैंने भाई फ़ोन दे दो, तो बंदा बोल रहा है कि भाई फ़ोन ना एक मतलब किसी बक्से में पड़ा हुआ है, छोटा सा बक्सा जो मेरे को दिखाई दे रहा था वहीं पर। मैंने बोला भैया दे दो यार, बहुत दूर से आए। बोल रहा 2 दिन बाद आइयो फ़ोन लेने, मतलब हमारी चीज़ हमी को नहीं मिल रही, हम पैसे दे रहे हैं। तो भाई कभी बंदे को ना बात करने की तमीज़ है ना कुछ, मेरे को बिल्कुल बेकार लगा, घटिया सर्विस। तो भाई उस मोबाइल वाले बंदे का ना बिहेवियर देख के ना दिमाग ख़राब हो गया, मतलब इतना अच्छा दिमाग था मेरा, मतलब इतना अच्छा मूड था, उस बंदे ने जैसे बात करी तो मेरा मूड ख़राब हो गया। बंसल मोबाइल, बंसल AS मोबाइल। तो काम पे से आ गया हूँ, और आजकल एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे जैसे हल्का ठंडा मौसम होता जा रहा है ना, लोग मतलब
हल्का इलाका सुनसान होता जा रहा है हमारे यहाँ का। और अब साइकिल मेरे पापा ले जाते हैं काम पे, जब भी जो भी काम पड़ता है बाहर साइकिल पापा ही ले जाते हैं। और भाई आज जब से मेरे साथ वो हुआ है ना पंखे वाला सीन, तो मतलब एक तो ऐसा लग रहा है कि यार मैं बच गया, मतलब भाई पंखा नहीं गिरा, बहुत कुछ बुरा हो सकता था। मैं मतलब लगा लो वहाँ से थोड़ी ही दूर बैठा था, मतलब लगा लो एक हाथ का फासला था, अगर मतलब जहाँ गिरा था ना पंखा वहाँ खड़े होकर मैं काम करता हूँ। और वैसे जब भी मतलब वैसे ज़्यादातर दिन मैं वहीं खड़े होकर काम करता हूँ देख लो, और जिस टाइम पंखा गिरा उस टाइम मैं वहाँ खड़ा नहीं था। तो मतलब ये थोड़ा सा ना एक मतलब क्या बोलो, शब्द नहीं है, छोड़ो, मतलब बच गया मैं कैसे भी, और या मैं कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इस खुशी के अवसर पे, मतलब ऐसे ही मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ बुरा नहीं हुआ मेरे साथ, तो मैं सोच रहा हूँ इस खुशी के अवसर पे घर पे कुछ अच्छा लाया जाए और एक पार्टी दी जाए। तो देखते हैं, घर पे चलते पहले। हेलो, हम आ गए हैं काम पे से। हेलो, आ जाओ बहन, कुछ ठंड लग रही। हेलो दीदी, कोमल दीदी, चाय रखी नीचे। पान है बहन के पैर छुड़ू, आशीर्वाद ले लूं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मित्र, काम पर से आ गए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे? खाना बनाओ। क्या बनाओ? पालक साग। ओ पालक साग, सब चावल, वाह मस्त। पालक साग मेरी फेवरेट। मम्मी आज तुम्हें ना पार्टी देने को मन कर रहा तुम्हारो, अब तुम पूछोगे क्यों? क्या क्या तुम भी पूछोगे क्यों? क्यों? क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ वो बहुत अच्छा, वो पंखा गिरिया पत्ते रे, तो किन्ने बताओ स्टेटस जिंदाबाद, कहां से गिरी पंखा गिरिया? अरे मम्मी जाम ना बैठे थे ना, जैसे देखो तुम जो जितनी कोमल है समझ लो, जहाँ कोमल बैठी उधर एक पंखा गिरो एकदम फट से टूट के छत वालों, और हाँ हम नीचे बैठे इधर तुम्हारी जगह, और कोमल जैसे इधर पंखा गिरो और तुम आवाज आई और हम उधर बैठे काम करते हैं, उधर ना बैठे थे हमारे ना लोगों, बिल्कुल। तो हमें पता थोड़ी सी चूक हो जाती ना कहानी खत्म थी हमारी, इतनी तेज गिरो वो, तो उस टाइम ऐसा लगो कि मतलब जिंदगी बच गई हमारी। भगवान नाम की कोई चीज है ना, भगवान नाम की कोई चीज, पता चल गई। हमारी बहनों की और छोटी दीदी की दुआ है सच में मम्मी, मैं एहसास वो एकदम से गिरो ना तो एकदम सब धूल धूल सब उड़ गई फैक्ट्री में, सब वो का हो भट्ट से बोलते जैसे। आपके हस्बैंड इसीलिए बैठे हैं आपके सामने, वरना बहुत कुछ गलत हो सकता था। ऐसे मत बोलने का तो ऐसे ही शुभ अवसर हमने सोची कुछ पार्टी वार्टी दें, फिर व्रत है तुम्हारो, और फिर हम सोच रहे थे फल लाएं, तुम फलो ले आई, कोई बात नहीं, कोमल ने तोड़ दो। वाह हमारी कोमल ने व्रत तोड़ दिया, हार मान ली। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, पर ये बताओ आपने किस कारण से व्रत तोड़ा? इतनी जल्दी हार मान ली आपने? एक लड़के की कमेंट आई थी, बोल रही थी कोमल और काजल को मतलब दाद देनी पड़ेगी उनकी हिम्मत की। आजकल 5 दिन भूखे रहे हम, ठीक है ना? आजकल मेल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, दिल बहुत खुश हो रहा है। बाग बाग। तो आपकी कोमल और हमारी दीदी कोमल ने व्रत तोड़ दिया है और खाने पे टूट पड़ी है एकदम, जैसे भूखे लोग टूट पड़ते हैं, ये उम्मीद नहीं थी कोमल आपसे, अफसोस हो रहा, शर्म आनी चाहिए आपको। काजल हिम्मत वाली है, काजल ने नहीं तोड़ा। 5 किलो हाँ, पर आलू खाती रहती है। आजा खाना खा ले बहन, साग और चावल हैं, तू भी तोड़ दे व्रत कोमल की तरह। काजल नहीं तोड़ सकती, मजाक कर रहे, आज तुम्हारे हस्बैंड मरते मरते बचे हैं। तुम क्यों बोल रहे हो भाई? मरते मरते ना बचे, अगर पंखा हमारे ऊपर गिर जाता तो तुम घर रो रही होती हो बे। हाय मेरे हस्बैंड, चलो अपने लिए किसी मजाक कर रहे, चलो।